आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टीनेजर स्पेशल डाइट प्लान, जिसे बाकी के लोग भी फॉलो कर सकते हैं। बट उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आस्मी, जिन्होंने रिसेंटली आई एम माओ के थ्रू 6 kg वेट लूज किया है और अभी भी इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही है। और जो प्लान मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो आस्मी ने इसी जर्नी में 1 week के लिए फॉलो किया था। एंड विद ऑल दिस वैरायटी, इंटरेस्टिंग, डिलीशियस, न्यूट्रिशियस मील्स ऑप्शन, उनको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। सो अगर आप तैयार हो इस डाइट प्लान को जानने के लिए, तो अभी इस वीडियो पे लाइक का बटन दबाओ और चलो स्टार्ट करते हैं। आपको अपना डे स्टार्ट करना है एक ग्लास लूप वार्म वाटर से, जिससे आपकी वाटर इंटेक भी बढ़ेगी और बॉडी से सारे टॉक्सिन्स भी फ्लश आउट हो जाएंगे। इसके बाद आपको लेना है 1 glass चिया सीड्स वाटर। चलिए देखते हैं इसे कैसे रेडी करना है। चिया सीड वाटर बनाने के लिए आपको 5 gram चिया सीड्स 150 ml पानी में रात भर सोक करके रखने हैं और सुबह उठ के आपको इस पानी को पी लेना है। मॉर्निंग ड्रिंक के बाद अगर सुबह आप अपना वर्कआउट करते हो, तो प्री वर्कआउट में आप 1 cup ब्लैक कॉफी और साथ में 15 g मिक्स्ड नट्स ले सकते हो। वैसे वर्कआउट करने के लिए कौन सा टाइम बेस्ट है? जो टाइम आपको सूट करता है वही आपके लिए परफेक्ट है, और हर टाइम के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। सुबह वर्कआउट करने से आपका बाकी का पूरा दिन ज्यादा एनर्जेटिक जाता है। और अगर आप कंफ्यूज रहते हो कि कौन सा वर्कआउट करें, तो इस चैनल पे आपको ढेर सारी वर्कआउट वीडियोस भी मिल जाएंगी, जिनको फॉलो करके आप मेरे साथ फॉलो अलॉन्ग वर्कआउट कर सकते हो। अब चलते हैं ब्रेकफास्ट ऑप्शंस पे। डे 1 पे आपको लेना है 3 idlis और साथ में 2 tablespoons कोकोनट चटनी। डे 2 पे आप ले सकते हो 130 g वेजिटेबल पोहा। मेक श्योर जो पोहा आप बनाओ उसमें ढेर सारी अलग अलग सब्जियों का यूज हो। डे 3 पे आपको लेना है वेजिटेबल उपमा, जो कि सूजी से बनाया जाता है। ये आप 150 g की क्वांटिटी में ले सकते हो। रवा उपमा बनाने के लिए पहले हम एक पैन में 1 कटोरी रवा यानी कि सूजी लेंगे और इसे स्लो फ्लेम पे कुछ देर के लिए रोस्ट करेंगे। हम इसे इतना रोस्ट करेंगे कि सूजी तो पक जाए मगर उसका कलर चेंज ना हो। तो थोड़ी देर रोस्ट करने के बाद इसे हम साइड पे निकाल के रख देंगे। अब उसी पैन में हम 1 चम्मच घी लेके इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जैसे कि चना या फिर अरहर की दाल, थोड़ी सी राई और जीरा, कैश्यूज और करी लीव्स। इन सबको हल्का सा पकाने के बाद हम इसके अंदर कटा हुआ प्याज डालेंगे। इफ यू लाइक देन यू कैन ऑल्सो एड सम चॉप ग्रीन चिलीज। अब सॉल्ट एंड पेपर। इसके बाद हम इसके अंदर 2.5 से 3 cup पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें धीरे धीरे करके रोस्ट किया हुआ रवा ऐड करेंगे और जब तक पानी सूख नहीं जाएगा तब तक हम इसको स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। 2 minutes में ही हमारा रवा उपमा रेडी है। यू कैन एंजॉय इट विद चटनी और जस्ट लाइक दैट। डे 4 पे आप लोगे 2 ragi dosa और साथ में 2 tablespoons कोकोनट की चटनी। रागी डोसा बनाने के लिए आप 1 रात पहले ही 1/2 कटोरी उड़द दाल को ओवरनाइट पानी में सोक करके रखोगे और नेक्स्ट मॉर्निंग ब्लेंडर में डाल के इसे पीस लोगे। दूसरी जगह हम 1 कटोरी रागी फ्लार को पानी में मिक्स करेंगे और अब इसमें उड़द दाल का पेस्ट ऐड करेंगे। इन दोनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस मिक्सचर में आपको जो छोटे छोटे बबल्स दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा मिक्सचर अच्छे से फर्मेंटेड है। एंड गाइस, डोसा प्रिपेयर करने से जस्ट पहले हम इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। अब एक पैन पे थोड़ा सा घी स्प्रेड करेंगे और इसके ऊपर इस मिक्सचर को ऐड करेंगे। एंड नाउ वी नीड टू स्प्रेड दिस मिक्सचर, और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली इसको थिक या फिर थिन रख सकते हो। इसको जितना थिन रखोगे आपका डोसा उतना ही क्रिस्पी बनेगा। एक साइड से प्रॉपरली पकने के बाद हम इसे फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड से पकाएंगे। नाउ वी विल ऐड सम वेजिटेबल्स इनटू इट। मैंने अनियन एंड कैप्सिकम को हल्का सा पका के उसकी फिलिंग इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और अब हम इसे रोल कर लेंगे, डोसा की शेप देंगे और इसी के साथ हमारा रागी डोसा रेडी है। यू कैन हैव इट अलोंग विद द चटनी। डे 5 पे आप लोगे वेजिटेबल सैंडविच, जिसको बनाने के लिए आप 2 brown bread के स्लाइसेस यूज कर सकते हो। डे 6 पे आपको लेना है 130 g वेजिटेबल वर्मिसिली, और याद रखिए वर्मिसिली बनाने के लिए भी हम इसमें ढेर सारी अलग अलग सब्जियों का यूज करेंगे। वेजिटेबल वर्मिसिली बनाने के लिए पहले हम एक पैन में 1 चम्मच घी और उसके अंदर जीरा लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि अनियन, पीज, कैरेट एंड चॉप टमेटो, ये सब चीज़ें ऐड करेंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां इसमें डाल सकते हो।
सब्जियों को थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसके अंदर मसाले जैसे कि सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, अमचूर, इन सब चीज़ों को ऐड करोगे। इसे हल्का सा टॉस करेंगे और अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर वर्मिसली ऐड करेंगे और अब हम इसे हल्का सा कुक करेंगे। थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद हम इसके अंदर बाकी का पानी डालेंगे। एक कटोरी वर्मिसली में 3 कटोरी पानी डलेगा और अब हम इसको कुछ देर के लिए कवर करके रख देंगे। अराउंड 5 to 10 मिनट्स के बाद हमारी वर्मिसली पक के रेडी हो जाएगी। Day 7 पे आप लोगे 2 मूंग दाल चीला, जिसे बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स मूंग दाल का यूज कर सकते हो। मूंग दाल चीला बनाने के लिए भी आपको एक रात पहले ही मूंग दाल को पानी में सोख करके रखना है और नेक्स्ट डे इसे ग्राइंडर में डाल के पीस लेना है। अब इस पिसी हुई दाल में हम नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और हल्की सी काली मिर्च डाल के मिक्स कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। गाइज, अब दूसरी तरफ हम इस चीला की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैं एक पैन में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। इसके अंदर जीरा, प्याज, हरी मिर्च और ग्रेटेड पनीर ऐड करेंगे। इसमें हल्का सा सॉल्ट एंड पेपर, इफ़ यू वांट यू कैन आल्सो ऐड सम रेड चिली पाउडर। इसे मिक्स कर लो और इसके अंदर थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डाल के हमारी स्टफिंग रेडी है। नाउ फाइनली एक तवा या पैन लेंगे, उस पर थोड़ा सा घी डालेंगे और अब हम इसके ऊपर दाल का पेस्ट डालेंगे। इसे थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे और अब हम इसे दोनों तरफ से पकाएंगे। पकाने के बाद इसके अंदर पनीर की स्टफिंग ऐड होगी, इसे रैप करेंगे और इसी के साथ हमारा सुपर 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 डिलीशियस मूंग दाल चीला रेडी है। आई रियली लव दिस रेसिपी एंड आई होप दैट यू विल लव इट टू। अपने इन सभी ब्रेकफास्ट के साथ आप 1 कप ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी भी ले सकते हो। अब चलते हैं मिड मॉर्निंग पे। मिड मॉर्निंग यानी कि 12 बजे के अराउंड आपको लेना है 200 ग्राम्स ऑफ मिक्स्ड फ्रूट चाट या फिर कोई भी एक फ्रूट। लंच से पहले आप लोगे जीरा और अजवाइन की ड्रिंक। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। 200 ml यानी कि 1 कप पानी में आप 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून जीरा डाल के इसे बॉइल करोगे। जैसे ही पानी गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा, गैस को बंद करके इसे स्ट्रेन कर लेंगे। अब इस ड्रिंक को आप आराम से बैठकर सिप करोगे। अजवाइन एंड जीरा ड्रिंक के बहुत से बेनिफिट्स हैं। अजवाइन आपके स्टमक को क्लींस करती है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है और पेट से जुड़ी काफी प्रॉब्लम्स को दूर करती है। जीरा में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपकी डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, तो ये दोनों ही चीजें वेट लॉस में आपकी बहुत हेल्प करती हैं। और अब हम चलते हैं लंच ऑप्शंस पे। लंच में अल्टरनेट डेज यानी कि Day 1, Day 3 और Day 5 पे आप अपनी पसंद की कोई भी दाल या फिर मिक्स दाल ले सकते हो। इसे आपको 150 ग्राम की क्वांटिटी में लेना है। गाइस, क्योंकि मॉनसून आ रहा है और इस टाइम पे पल्सेस, बीन्स एंड लेग्यूम ज्यादा कंज्यूम करने चाहिए, इसलिए इस बार के प्लान में आपको ज्यादा से ज्यादा दाल दी जा रही है। दाल के साथ आप 100 ग्राम्स राइस ले सकते हो और इसके साथ 100 ग्राम्स मिक्स्ड ग्रीन सैलेड ले सकते हो। Day 2, Day 4 एंड Day 6 पे आपको 1 मल्टीग्रेन रोटी लेनी है और साथ में 150 ग्राम्स अपने पसंद की कोई भी सीजनल वेजिटेबल लेनी है। और लंच के साथ भी आप 100 ग्राम्स मिक्स्ड सैलेड लोगे और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने खाने की शुरुआत ही सैलेड के साथ करो। सब्जियों को रॉ फॉर्म में लेने से हमारी बॉडी को उसके मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और इससे हमारी बॉडी में फाइबर कंटेंट भी बढ़ता है। और अब बचा Day 7। इस दिन आपको लेना है 150 ग्राम्स ऑफ राजमा या फिर 150 ग्राम्स ऑफ छोले। इसके साथ आप ले सकते हो 100 ग्राम्स राइस एंड अगेन 100 ग्राम्स ऑफ मिक्स्ड ग्रीन सैलेड। और हर रोज अपने लंच के साथ आप ले सकते हो 100 ग्राम्स ऑफ कर्ड या फिर 150 ग्राम्स ऑफ बटर मिल्क यानी कि छाछ। ये आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा। गाइस, अब हम बात करते हैं वेट लॉस जर्नी में चैलेंजेस की, क्योंकि चैलेंज तो हर किसी को आता है। मैं आपको अपने चैलेंज के बारे में बताती हूँ। आई यूज टू बी अ कॉफी लवर, मुझे कॉफी पीने का बहुत शौक था, बट वेट लॉस जर्नी के दौरान मैं हैवी मिल्क वाली कॉफी नहीं ले सकती थी और इसके साथ डील करने के लिए मैंने ब्लैक कॉफी पीने की आदत डेवलप करी एंड नाउ आई रियली लाइक हैविंग ब्लैक कॉफी। सो दिस वॉज माई चैलेंज। आप किस तरह का चैलेंज फेस करते हो मुझे कमेंट्स में बताओ। मैं कोशिश करूंगी कि आपके चैलेंज का सलूशन आपको प्रोवाइड कर सकूं। एंड मीनवाइल हम जानते हैं कि आसमी ने अपनी वेट लॉस जर्नी में किस तरह का चैलेंज फेस किया। वेट लॉस जर्नी में चैलेंज किसको नहीं आते। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था मेंटल स्टेबिलिटी लाना। एज ए टीनेजर हम सबको क्रेविंग होती है बाहर का खाने की एंड वी गो ऑन ईटिंग अलॉट। सो मेरे लिए वो कंट्रोल लाना थोड़ा डिफिकल्ट था, बट विद इन 15 to 20 days वेयर फॉलोइंग द डाइट I adjusted and adapted and I brought the control and suppressed the cravings that I had.
एंड बिलीव मी, मैंने वो जिस दिन से किया आई स्टार्टेड टू लव डाइटिंग. सो इफ इट डज नॉट चैलेंज यू इट विल नॉट चेंज यू. और अब हम चलते हैं इवनिंग स्नैक्स पे. इवनिंग स्नैक में आप ले सकते हो पॉपकॉर्न. यू कैन ऑल्सो हैव पॉपकॉर्न चाट. यू वॉन्ट टू नो हाउ टू मेक इट? लेट्स सी. सो गाइस, पॉपकॉर्न चाट बनाने के लिए पहले आप एक बोल में चॉप्ड अनियन, चॉप्ड टमेटो एंड इफ यू लाइक इट स्पाइसी तो चॉप्ड ग्रीन चिलीज लोगे. अब हम इसके अंदर पॉपकॉर्न डालेंगे एंड नाउ विल एड सॉल्ट, चाट मसाला, फ्रेश लेमन जूस एंड सम कोरिएंडर. इन सब चीजों को एक साथ टॉस कर लेंगे और इसी के साथ हमारी सिंपल एंड इजी पॉपकॉर्न भेल रेडी है. बट गाइज, इसे बनाते ही इमीडिएटली कंज्यूम करो, अदरवाइज पॉपकॉर्न सॉगी हो जाएंगे और फिर ये उतना अच्छा नहीं लगेगा. तो ये थी हमारी पॉपकॉर्न चाट. इसकी जगह पे आप ढोकला, ब्रेड उपमा या फिर कैरमलाइज मखाने भी ले सकते हो. क्या कहा? कैरमलाइज मखाने कैसे बनाने हैं? चलो देखते हैं. विल टेक 1 स्पून ऑफ घी इनटू अ पैन. मैं काओ घी यूज करती हूँ. अब हम इसमें 1 कटोरी मखाने ऐड करेंगे और इन्हें कुछ देर के लिए रोस्ट करेंगे. मेक श्योर कि मखाने जले नहीं, इसलिए आप इसको स्लो फ्लेम पे स्टर करते रहो. और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे विच मीन्स कि ये रेडी हो चुके हैं. कुछ देर के बाद हम इसको टेस्ट कर सकते हैं. एक मखाने को लेके इस तरह ब्रेक कीजिए, दिस मीन्स इट्स रेडी. अब मखाने को निकाल लेंगे और उसी पैन में थोड़ा सा पानी लेंगे और इसमें 1 पीस जैगरी डालेंगे. मैं ऑर्गेनिक गुड़ यूज़ कर रही हूँ. अब हम इसको स्लो फ्लेम पे मेल्ट डाउन होने देंगे. थोड़ी देर के बाद गुड़ मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और जैसे ये पूरी तरह कैरमल बन जाए हम गैस ऑफ कर देंगे. अब इस पिघले हुए गुड़ में हम रोस्ट किए हुए मखाने ऐड करेंगे और इन सब मखानों पे हम जैगरी कोट कर देंगे. वी रियली नीड टू डू दिस क्विकली, अदरवाइज गुड़ वापस से जमना शुरू हो जाएगा. सो आफ्टर ऑल द मखानाज आर कोटेड विद गुड़, इसमें हम हल्का सा सॉल्ट ऐड करेंगे एंड वी आर डन. अब आप इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दो और इसके बाद हम इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में निकाल सकते हैं. यू कैन कंज्यूम इट फॉर 7 to 10 days इजीली. तो ये थे हमारे इंटरेस्टिंग इवनिंग स्नैक्स ऑप्शंस. अब डिनर से पहले आपको 1 कप फेनल सीड्स वाटर लेना है, जिसको बनाने के लिए आप 200 ml यानी कि 1 कप पानी के अंदर 1 teaspoon फेनल सीड्स यानी कि सौंफ डाल के इसे बॉईल करोगे और जैसे ही पानी का कलर चेंज होगा गैस को ऑफ करके स्ट्रेन करके निकाल लेंगे और आपका फेनल सीड वाटर रेडी है. अब डिनर पे जाने से पहले आई रियली वॉन्ट टू नो कि आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हो, बिकॉज फिटनेस जर्नी में तो मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. मैंने खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा इसके बारे में मैंने अपनी एक वीडियो 30 हैक्स में डिटेल में बताया है. आप खुद को कैसे मोटिवेटेड रखते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ. एंड मीनवाइल लेट्स सी व्हाट केप्ट अस मी गोइंग. द थिंग व्हिच केप्ट मी गोइंग वाज कि ये जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने माइंड में एक इमेज बना के रखी थी अबाउट हाउ आई वांट टू ट्रांसफॉर्म माय बॉडी एंड बी द फिटर वर्जन ऑफ मी. This was the thing that kept me going on. Now this is called power of visualization. और अब हम चलते हैं dinner options पे. And again because of monsoon season we are going to have a lot of dal in our dinner. On every alternate day which means day 1, day 3 and day 5 आप अपनी पसंद की कोई भी दाल 200 ml quantity में ले सकते हो और इसके साथ आप 100 grams स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स ले सकते हो. डे 2 पे आपको लेना है 200 ml वेजिटेबल सूप और साथ में 100 grams सैलेड. डे 4 पे आपको लेना है 200 ml लेमन कोरिएंडर या फिर ब्रोकली सूप अलोंग विद 100 grams ऑफ सैलेड. लेट मी शो यू हाउ यू कैन मेक लेमन कोरिएंडर सूप. इसके लिए कढ़ाई में आप थोड़ा सा ऑयल लोगे, उसमें चॉप गार्लिक एंड चॉप ग्रीन चिलीज डाल के थोड़ा सा सॉटे करोगे. इसके बाद इसमें चॉप अनियन डालेंगे और साथ में बाकी की बारीक कटी हुई सब्जियां डालेंगे. I'm adding chopped carrot and beans. Now chopped cabbage. आपके पास जो भी vegetables available हो आप बारीक बारीक काट के इसमें डाल सकते हो. और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा vegetable stock which is optional and साथ में खूब सारा पानी. पानी की quantity थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी because अभी इसमें boil आएगा जिससे थोड़ा सा पानी सूख भी जाएगा. And now put some salt. And squeeze a fresh lemon. It's time to leave, it's time to break free from the shallows. Now top it with some fresh coriander leaves. और इसके बाद हम इसे कुछ देर के लिए boil करेंगे. Around 5 to 10 minutes
बॉईल करेंगे और उसके बाद हम इसे सर्व कर सकते हैं। आवर लेमन कोरिएंडर सूप इज रेडी विच इज न्यूट्रिशियस एंड वेरी यमी। डे 6 एंड डे 7 यू कैन हैव वन स्टफ पराठा, जिसके लिए आप 30 ग्राम्स होल व्हीट फ्लावर यूज करोगे और इसके साथ 130 ग्राम्स वेजिटेबल रायता, जिसके लिए आप 80 ग्राम्स कर्ड और साथ में 50 ग्राम्स वेजिटेबल्स यूज करोगे। स्टफ पराठा बनाने के लिए पहले हम उसकी स्टफिंग प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए आप कोई भी वेजिटेबल को ग्रेट करके जैसे कि गोभी, मूली, स्पिनच ले सकते हो। यहाँ पे मैं पनीर पराठा बना रही हूँ, इसलिए मैंने ग्रेटेड पनीर लिया है। इसमें थोड़े से चॉप्ड अनियन डाले हैं और थोड़े से स्पाइसेस जैसे कि सॉल्ट, पेपर और अजवाइन ली है। ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई और अब हम आटे को बेलेंगे। इसके अंदर इस पनीर की स्टफिंग को ऐड करेंगे। इसमें हमें कोई भी घी या फिर और एडिशनल नमक डालने की जरूरत नहीं है। अब हम इसे रोल करके बेल लेंगे और अब हम इसको तवे पे पकाएंगे। तवे पे भी आपको कोई घी या ऑयल यूज करने की जरूरत नहीं है। आप बिना किसी भी घी या ऑयल के पराठे को अच्छे से सेक सकते हो और बना सकते हो। ये देखिए आपके सामने बन रहा है। बनने के बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा घी या बटर लगा सकते हो, बट बनाने वक्त देखने वक्त आपको इन चीजों को ऐड करने की जरूरत नहीं है। सो गाइस, दिस वाज योर डिनर एंड बिफोर बेड यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ स्किम, यानी कि लो फैट मिल्क विदाउट शुगर। सो गाइस, आई होप कि आपको इस बार का डाइट प्लान पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके मुझे अपना प्यार जरूर शो करना। इस तरह के और प्लान्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबाना। अगर आप भी अपने लिए कस्टमाइज डाइट प्लान चाहते हो और किसी एक्सपर्ट डाइटिशियन के साथ काउंसलिंग चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम आई एम वाव में एनरोल कर सकते हो मेरी वेबसाइट gunjanshouts.com पे जाके। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन फिट रहो, हिट रहो, एंड यस, आस्क मी हैज अ मैसेज फॉर यू, सो डू लिसन टू इट। फॉर ऑल दोस आउट देयर हु वांट टू लूज वेट, जस्ट गो फॉर इट। Maintain discipline, have a schedule and stick to it. Don't cheat your diet. If you ever feel like giving up, just think about why you started in the first place. And spare some time for yourself. Get some physical activity, be it just a walk. Important thing is to move your body, because the best results are achieved when you invest in yourself every single day. A big shout out to Gunjan ma'am, Bhumika ma'am and the whole I Am Wow community for being the absolute best. Thank you so much.